क्यों लगातार पवन सिंह की नकल कर रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। हाँ, आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह की नकल में इस कदर गुम हुए खेसारी लाल यादव कि खेसारी लाल यादव ने कई ऐसी चीज़ों को अपना लिया जो कि पवन सिंह बहुत पहले कर चुके हैं। वैसे पवन सिंह आजकल अपने हर एक गाने के रिलीज़ के बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, और तो और अपने कई ऐसे मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें बुलाकर उस पर रील बनाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनके हर एक गाने ने वो व्यूज़ हासिल किया जो कि पहले पवन सिंह के कई गाने रिलीज़ होते थे तो उतने हासिल नहीं कर पाते थे हफ्ते और डेढ़ हफ्ते के बीच में। लेकिन ऐसा अब आप देखें, पवन सिंह का कोई भी गाना रिलीज़ होता है हफ्ते और डेढ़ हफ्ते के बीच में उसे अच्छी खासी व्यूज़ में बढ़ोतरी होती है, यानी व्यूज़ लगातार इंक्रीज़ होते रहते हैं। अब यही काम खेसारी लाल यादव ने किया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का गाना ललका टी शर्ट रिलीज़ हुआ है अन्नपूर्णा फिल्म से, और आपको बता दें अब खेसारी लाल यादव उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के से इंटरेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर उनके साथ रील बना रहे हैं ताकि उनका ये गाना लोगों के बीच आए। और इसका नतीजा ये हुआ कि 8 घंटे में इस गाने ने 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि खेसारी लाल यादव के लिए अब तक जो 2 से 3 महीने के बीच में ऐसा होता था कि खेसारी का गाना रिलीज़ हुआ है और उसको 1 मिलियन पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, यानी कि पवन सिंह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं खेसारी। लेकिन यहां पर खेसारी लाल यादव फिर कहेंगे कि उनके नक्शे कदम पर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग चल रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।